हेलो स्टूडेंट्स, आई एम आशिमा ठाकुर और आज हम लोग मिल रहे हैं क्लास 12th के सेकेंड चैप्टर के नेक्स्ट कंसेप्ट के बारे में बात करने के लिए। तो आज हमारा फर्स्ट टॉपिक है डेहिसेंस। यूजुअली डेहिसेंस का क्या मतलब होता है? एज वी नो कि जब मैंने आपको लास्ट वीडियो में भी बताया था कि जब जो पोलन ग्रेन है जब वो मैच्योर हो जाता है तो वो जो उसके ऊपर आउटर कवरिंग होती है वो वहाँ से फट जाती है और पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ आ जाते हैं, उसको ही डेहिसेंस बोलते हैं। ठीक है, यूजुअली क्या होता है कि जो मैच्योर एंथर होता है उसके बाद टू कैविटीज़ प्रेजेंट होती हैं, इसलिए हम उसको डायथीकस भी बोलते हैं। ठीक है, जब वो मैच्योर हो जाता है, राइपन हो जाता है, तो जो उसका एंडोथीशियम है वहाँ पे उसके चारों तरफ अवेलेबल, वो ड्राई हो जाता है। और जब वो ड्राई हो जाएगा, क्यों? क्योंकि वहाँ वाटर का डेफिशिएंसी है, तो वो रैप्चर हो जाएगा। और रैप्चर होने के बाद जो स्ट्रोमियम में जो एक लोब बना हुआ है उस रीजन को वो ब्रेक कर देगा और जो पोलन ग्रेन्स हैं वो वहाँ से बाहर आ जाएंगे। ठीक है, एज यू कैन सी हियर कि देर इज़ अ डायग्राम, यहाँ पे एक डायग्राम भी है जो डेहिसेंस को क्या कर रहा है, शो कर रहा है। ठीक है, आप लोग को समझ में आ रहा है, वही ट्रांसवर्स है यहाँ कि यहाँ इस वे में ये, फिर लॉन्गिट्यूडनल है, देन फिर पॉलिसिडल है और फिर वॉल्व्यूलर है। ठीक है, वॉल वाला है। तो यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो ये डिफरेंट पोजिशंस है डेहिसेंस ऑफ एंथर की। ठीक है, नेक्स्ट हम लोग बात करते हैं स्ट्रक्चर ऑफ पोलन ग्रेन। ठीक है, एज आई टोल्ड यू इन द प्रीवियस वीडियो, मैंने आपको ये बताया था कि मैं नेक्स्ट वीडियो में फिर आपको इसको एक बार अच्छे से एक्सप्लेन कर दूंगी। तो आपको ये पता होना चाहिए कि यूजुअली अगर हम लोग देखें तो माइक्रोस्पोरोजेनेसिस जब होता है तो उसमें जो टेट्राड बनता है, एज यू कैन सी ये जो टेट्राड बन रहा है, इस टेट्राड से पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ आ जाते हैं एक माइक्रोस्पोर, और ये माइक्रोस्पोर फिर धीरे धीरे कुछ डिविजन्स के बाद एक पोलन ग्रेन में चेंज हो जाता है। ठीक है, तो ये जो माइक्रोस्पोर है इसमें जो म्यूसिस डिविजन्स होते हैं ये कैसे होंगे, क्या होंगे, इसको मैं फिर आगे की जो थ्योरी है उसको समझा के आपको एक्सप्लेन करती हूँ। ठीक है, अभी बस आप ये सिंपल सा देख लीजिए कि यहाँ माइक्रोस्पोर है, इसमें वैक्यूल्स हैं, ये जो इसका न्यूक्लियस है ये डिवाइड होना स्टार्ट हो रहा है और जो वैक्यूल्स हैं ये भी फर्दर डिवाइड हो रही हैं। तो ये तो यूजुअली जो साइटोप्लाज्म है उसमें हमें दो टाइप की सेल देखने के लिए मिलती हैं, एक वेजिटेटिव सेल और एक जेनरेटिव सेल। जो वेजिटेटिव सेल होती है वो साइज में छोटी होती है और जो वेजिटेटिव सेल जो होती है वो साइज में बड़ी होती है और जो जेनरेटिव सेल होती है वो साइज में छोटी होती है। ठीक है, लाइक पोलन ग्रेन क्या है, मेल गैमेटोफाइट है, आप लोग को पता होगा। ठीक है, अब अगर पोलन ग्रेन्स जो हैं वो मेल गैमेटोफाइट हैं तो यूजुअली जो पोलन ग्रेन होंगे इनका साइज क्या होगा, ये लगभग 20 to 25 to 50 माइक्रोमीटर होंगे डायामीटर में। फिर पोलन ग्रेन्स बाहर की तरफ एक लेयर से कवर्ड रहते हैं जिसको स्पोरोडर्म लेयर बोलते हैं। मैंने यहाँ पे नोट्स पॉइंट्स कुछ नोट किए हुए हैं वो इसलिए सो दैट कि आप इजीली समझ पाएं कि यहाँ पे कौन कौन से पॉइंट क्या क्या चीज़ें एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, मैं आपको यहाँ ये सारे पॉइंट्स एक्सप्लेन कर दूंगी, उसके बाद आप लोग अपना एनसीईआरटी जाके पढ़ लेंगे बच्चा पार्टी, तो उससे क्या होगा कि आपके जो कॉन्सेप्ट्स हैं वो एकदम क्लियर हो जाएंगे। ठीक है, अब पोलन ग्रेन पता लग गया मेल गैमेटोफाइट की तरह बिहेव करता है, इसका डायामीटर 25 to 50 माइक्रोमीटर तक होता है। ठीक, और ये एक लेयर से कवर्ड होते हैं जिसको अपन स्पोरोडर्म बोलते हैं। स्पोरोडर्म अगर यूजुअली देखें तो उसमें हमें टू लेयर्स देखने के लिए मिलती हैं जिसको एक्साइन और इंटाइन, एक्सटर्नल वाली एक्साइन और इंटरनल वाली जो है उसको इंटाइन बोलते हैं। ठीक है, तो जो इंटाइन वाला जो लेयर होती है वो पैक्टोसेलुलोजिक होती है नेचर में और उसके पास अपने कुछ एंजाइम्स देखने के लिए मिलते हैं। ठीक है, लेकिन जो एक्साइन होती है, एक्साइन एक बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग लेयर होती है और उस पर किसी भी केमिकल का, टेम्परेचर का, कोई एंजाइम का, कोई एसिड बेस कोई भी हो स्ट्रॉन्ग, किसी का कोई इफेक्ट नहीं पड़ता क्योंकि ये केमिकल सब्सटेंस से बनी होती है। जो एक फैटी सब्सटेंस है वो है स्पोरोपोलेनिन, वो है स्पोरोपोलेनिन, जिसको आप लोग याद कर लेंगे। तो ये जो स्पोरोपोलेनिन है इसके ही चलते जो किसी भी पोलन ग्रेन के एक्साइन में प्रेजेंट होता है ये उसको इतना ज़्यादा स्ट्रॉन्ग बना देता है किसी पोलन ग्रेन को कि ये कई सालों तक माइक्रोफॉसिल्स के फॉर्म में सर्वाइव कर सकते हैं। इसी का एक बहुत बड़ा रीज़न है कि जो लोटस वाला प्लांट है, लोटस वाला जो प्लांट है उसके जो सीड्स होते हैं, कमलगट्टा जिसको बोलते हैं, वो कई साल तक सर्वाइव कर सकता है। ठीक है,
जो आपने यूजुअली देखा होगा, इसलिए मैं आपको बता रही हूँ। फिर यूजुअली अगर हम लोग देखें तो ये जो एग्जाइन है कुछ एरियाज में ये बीच बीच में से टूटी रहती है, ठीक है, उस एरिया को अपन बोलते हैं जर्म पोर। आपको ये जो डायग्राम है इसमें आपको जर्म पोर दिख रहा होगा, ठीक है। ये जो जर्म पोर है ये क्या कर रहा है, यहाँ पे यूजुअली ये जो जर्म पोर है यहाँ पे ये एग्जाइन है ही नहीं, एग्जाइन है नहीं तो उससे क्या हो रहा है कि ये यहाँ पे देखिए यहाँ पे आपको दिख रहा होगा ये रहा, ठीक है, यहाँ पे जर्म पोर है तो यहाँ पे एग्जाइन एब्सेंट है, एग्जाइन एब्सेंट है तो उससे क्या हो रहा है कि यहाँ से वाटर इसके अंदर एंटर कर सकता है, ठीक है। ये दिख रहा है ना, ये जनरेटिव सेल हो गई, एक ये नीचे वेजिटेटिव सेल हो गई, ये इंटाइन हो गई इंटरनल वाली लेयर, ठीक। ये बाहर वाली जैसे स्ट्रॉन्ग एक ब्लैक कलर की लेयर दिख रही है, ये क्या है आपका एग्जाइन है, ठीक है। अब जो वेजिटेटिव सेल है उसमें वेजिटेटिव न्यूक्लियस होता है, जो जेनरेटिव सेल है उसमें जेनरेटिव न्यूक्लियस होता है, ठीक। अब जो नेक्स्ट हम लोग बात करने वाले हैं कि यूजुअली जो वेजिटेटिव सेल हैं और जो ये आपकी जेनरेटिव सेल है इनका क्या काम है। यूजुअली जो वेजिटेटिव लार्ज सेल होती है और वो क्या करती है, फूड को स्टोर करती है, और उसका जो न्यूक्लियस होता है वो इररेगुलर होता है, ठीक है। और जो छोटी वाली सेल है वो जनरेटिव सेल है, स्पिंडल शेप होती है और उसका जो साइटोप्लाज्म होता है वो बहुत ज़्यादा डेंस होता है, ठीक है। अब इन सेल के बिहाफ पे भी अगर हम लोग देखें जो किसी पोलन ग्रेन में डिवीज़न हो रहे हैं तो यूजुअली जो 60% एंजियोस्पर्म है उसमें हमें टू सेल्ड पोलन ग्रेन्स देखने के लिए मिलते हैं, ठीक है। बट कुछ स्पीशीज में क्या होता है कि जो जनरेटिव सेल होती है, क्योंकि एज नेम सजेस्ट जनरेटिव, वो बार बार लगातार जनरेट हो रही है तो उसमें डिवीजन्स चल रहे हैं, ठीक है। अब माइटोटिकली जब वो डिवाइड होगी तो उसमें कई बार ऐसा भी होता है कि वो टू सेल से थ्री सेल स्टेज को भी फॉर्म करती है पोलन ग्रेन्स के लिए, और वो क्या करती है टू मेल गैमेट्स को बनाती है, ठीक है। तो कुछ एंजियोस्पर्म में 60% हमें टू सेल्ड स्टेज पोलन ग्रेन मिलता है और कुछ एंजियोस्पर्म में हमें थ्री सेल्ड पोलन ग्रेन भी देखने के लिए मिलता है। नेक्स्ट अब हमारा है पोलन एनर्जी। पोलन एनर्जी क्या होता है, पोलन एनर्जी में क्या होता है कि यूजुअली जैसे आप लोगों ने देखा होगा कि हमारे आसपास अगर छोटा सा भी खाली घास के मैदान होता है तो वहाँ पे ना एक गाजर घास जैसा उगाता है, ठीक है। वो जो गाजर घासेस पे सफ़ेद छोटे छोटे फूल लगते हैं वो क्या है कि वो बहुत ज़्यादा अस्थमेटिक प्रॉब्लम्स को कॉज करता है, ठीक है। क्यों, क्योंकि उसमें पोलन ग्रेन्स ऐसे होते हैं कि वो, क्योंकि पोलन ग्रेन्स क्या है, एनिमोफ्लस है नेचर में। एनिमोफ्लस का मतलब होता है कि वो एयर में ईजिली रह सकते हैं, विंड के थ्रू वो पॉलिनेट हो सकते हैं, माइग्रेट कर सकते हैं। तो यूजुअली क्या है, पोलन ग्रेन्स इतने ज़्यादा लाइट वेटेड हैं, इतने ज़्यादा स्मॉल हैं कि ये पानी में भी अच्छे से फ्लोट कर सकते हैं, एयर में भी इजीली रह सकते हैं। तो जब हम लोग इनहेल करते हैं तो ये हमारे इनहेलेशन से हमारे रेस्पिरेटरी ट्रैक में चले जाते हैं और हमें रेस्पिरेटरी डिजीजेस कॉज करते हैं। कौन कौन सी रेस्पिरेटरी डिजीजेस होते हैं, लाइक अस्थमा है, ब्रोंकाइटिस है, रिनाइटिस है। रिनाइटिस में क्या होता है कि जो हमारी नोज नेजल ट्रैक होता है नोज के अंदर, नेजल पासेज में क्या होता है कि जो म्यूसिलेज लेयर है ये उसको रैप्चर कर देते हैं, समझ में आया, ठीक है। और पोलन ग्रेन्स के सोर्सेस क्या हैं, जैसे कैरेट ग्रास मैंने आपको बताया था, गाजर घास, ठीक है, पार्थीनियम, चिनोपोडियम, एमरेंथस, सॉर्गम, रिसिनस, प्रोसोप्सिस और साइनोडोन, ये कुछ एग्जांपल्स हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं कि जो पोलन ग्रेन्स हैं इनका यूज़ क्या है, ठीक है। अभी तक तो हमने उनके इन्फेक्शन की बात करी, इनके स्ट्रक्चर की बात करी, अब पोलन ग्रेन्स की अगर हम यूज़ की बात करें तो यूजुअली जो पोलन ग्रेन्स का यूज़ होता है वो मल्टीपल टास्क में यूज़ होता है। जैसे ये नेचर में भी क्योर में यूज़ होते हैं, कॉस्मेटिक्स में भी यूज़ होते हैं और फूड सप्लीमेंट की तरह भी यूज़ होते हैं। यूजुअली नेचर में अगर पोलन ग्रेन्स माइग्रेट नहीं करेंगे तो प्लांट्स कैसे निकलेंगे, प्लांट्स कैसे, नए प्लांट्स कैसे ग्रो करेंगे। कॉस्मेटिक प्रोडक्ट्स में ही पोलन ग्रेन का यूज़ है, इसके बने हुए कैप्सूल्स आते हैं, मेडिसिन आती हैं, ठीक है, और फूड सप्लीमेंट की तरह भी इनका यूज़ किया जाता है, क्योंकि ये प्रोटीन और कार्बोहाइड्रेट रिच होते हैं जो पोलन ग्रेन्स होते हैं, ठीक है। तो इनसे बनी टैबलेट या इनसे बने फूड मटेरियल जिसमें भी इनका यूज़ होता है, ये उनके परफॉर्मेंस को इन्हेंस करने में हेल्प करते हैं, ठीक है। यूजुअली जो एथलीट्स होते हैं और रेस हॉर्सेस जो होते हैं उसमें भी ये बहुत ज़्यादा यूजफुल होते हैं, ठीक। अब हम लोग बात करते हैं, नेक्स्ट है हमारा पोलन विजिबिलिटी। यूजुअली आप लोग बहुत सारे फ्लावरिंग प्लांट ऐसे देखते होंगे, जैसे रोज हो गया, हिबिस्कस हो गया, या फिर रेन लिली हो गया,
ठीक है, या एमरेंथस लिली हो गया, उसमें इजीली क्या होता है कि आपको पोलन ग्रेन्स विजिबल होते हैं स्मॉल पाउडर क्रिस्टल्स के फॉर्म में, ठीक है। लेकिन कुछ ऐसे भी प्लांट्स हैं जिसमें पोलन ग्रेन्स जो होते हैं वो बस 30 से 20 मिनट के लिए, 20-30 मिनट के लिए ही विजिबल होंगे, उसके बाद वो अपनी विजिबिलिटी को लॉस कर देंगे। फॉर एग्जाम्पल अगर हम लोग सीरियल्स की बात करें तो राइस है, वीट है, तो उसमें क्या होते हैं कि वो अपनी जो विजिबिलिटी होती है वो बहुत जल्दी खो देते हैं, लगभग 30 मिनट ही बस वो हमारे लिए विजिबल होते हैं। तो यूजुअली जो लेग्यूमिनेसी जो फैमिली होती है वो कई बार होता है कि कुछ मंथ्स तक अपने आप को मेंटेन रखते हैं, है ना। तो ये सब में अलग अलग होता है जो पोलन ग्रेन्स की विजिबिलिटी होती है, ठीक। अब हम नॉर्मली अगर पोलन ग्रेन की एनाटॉमी को देखना चाहें प्रॉपरली, इंटरनल स्ट्रक्चर को, तो वो माइक्रोस्कोपिक है, लेकिन हम लोग एक्सटर्नली पोलन ग्रेन्स को देख सकते हैं, अपने हाथ से टच कर सकते हैं कुछ फ्लावर्स में जो इजीली अवेलेबल हो जाते हैं। आप हिबिस्कस जो होता है ना, और गुलहड़, चाइना रोज, उसके फ्लावर को लेके आप इजीली जो पोलन ग्रेन्स हैं उनको फाइंड आउट कर सकते हैं। येलो येलो कलर के पाउडर के फॉर्म में छोटे छोटे क्रिस्टल्स होते हैं, ठीक है। जब आप उसको माइक्रोस्कोप से देखेंगे तो आपको पोलन ग्रेन्स का जो स्ट्रक्चर है एग्जाइन तो बहुत इजीली दिख जाती है, आप देख सकते हैं, ठीक है। अब नेक्स्ट है कि आपने स्टोरिंग सीमम या स्वर्म ऑफ मैनी एनिमल्स के बारे में सुना होगा। तो यूजुअली अगर हम लोग बात करें तो पोलन ग्रेन्स को हम लोग स्टोर कर सकते हैं, ठीक है, लिक्विड नाइट्रोजन में लगभग -198 डिग्री C पे, और स्टोर पोलन ग्रेन्स को हम लोग जो बैंक्स होते हैं, जो पोलन बैंक्स होते हैं उसमें स्टोर कर सकते हैं, और हम लोग एक अच्छे प्रोडक्टिविटी के लिए एक अच्छे टाइम पे उन पोलन ग्रेन्स का यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, समझ में आया। तो जैसे ह्यूमन का स्पर्म स्टोर किया जा सकता है, सीमन स्टोर किया जा सकता है फॉर आर्टिफिशियल इंसेमिनेशन, इन द सेम वे प्लांट्स में जो पोलन ग्रेन्स होते हैं उनको भी स्टोर किया जा सकता है, ठीक है, फॉर प्रॉपर क्रॉप या फिर फॉर बेटर क्रॉप मैनेजमेंट, समझ में आया। नेक्स्ट हमारा टॉपिक है बच्चा पार्टी, यह है स्ट्रक्चर एंड डेवलपमेंट ऑफ मेल गैमेटोफाइट एंड माइक्रो गैमेटोजेनेसिस, ठीक है। तो फर्स्ट हम इसमें पढ़ेंगे प्री पॉलिनेशन डेवलपमेंट, मतलब पॉलिनेशन से पहले क्या क्या डेवलपमेंट होते हैं किसी भी पोलन ग्रेन में। माइक्रोस्पोर से जैसे पोलन ग्रेन बना था ना, उसमें दो टाइप की सेल बनी थी, जनरेटिव सेल और वेजिटेटिव सेल। तो अब आगे उसमें क्या होगा इसको इसमें समझेंगे, ठीक है। यानी कि कोई भी जब पॉलिनेशन हो रहा है तो पॉलिनेशन से पहले उसमें क्या क्या चेंजेस आ रहे हैं, ठीक है। यूजुअली अगर हम लोग देखें तो जो माइक्रोस्पोरेंजियम होता है या पोलन सेक जो होता है उसके अंदर ही हमें कुछ सर्टेन चेंजेस देखने के लिए मिल जाते हैं। जैसे जो यंग वन पोलन ग्रेन्स हैं उनके अंदर एक सेंट्रली प्लेस्ड न्यूक्लियस होता है, किसके साथ, डेंस साइटोप्लाज्म के साथ, और किससे कवर रहता है, वो प्लाज्मा मेम्ब्रेन से कवर्ड रहता है। उसके बाद ये क्या करता है कि ये ग्रो करता जाता है, ठीक है, लगातार न्यूट्रिएंट्स का फ्लो भी बना रहता है, और ये डेवलप करने के साथ साथ हमें रैपिड ग्रोथ देता है, किसमें, पोलन ग्रेन्स की ग्रोथ में हमें रैपिड ग्रोथ शो करेगा, ठीक। अब क्या होगा कि जो वैक्यूल्स थी माइक्रोस्पोर के अंदर वो पोलन ग्रेन्स को पुश करती हैं किसकी तरफ, ग्रेन के जो न्यूक्लियस उसको पुश करती हैं, जो वॉल है ये एक्सटर्नल मोस्ट बाउंड्री जो है उसकी तरफ, और उसके बाद धीरे धीरे क्या होता है कि जो प्रोटोप्लास्ट है उसमें डिवीजन होते हैं और हमें दो टाइप की सेल मिलती हैं, ठीक है। जैसे आप ये देख रहे हैं एक सिंपल सा पोलन ग्रेन है, इसमें जर्म पोर दिख रहा है, एक्साइन इंटाइन आपको दिख रही है, साइटोप्लाज्म दिख रहा है, ठीक है। अब यहाँ पे क्या होगा कि ये जो ट्यूब सेल आपको दिख रही होगी एक जगह, वेजिटेटिव सेल आपको दिख रही होगी, ठीक है, फिर आपको यहाँ पे एक जगह नीचे ये जनरेटिव सेल दिख रही होगी। तो यहाँ पे क्या हुआ कि जो न्यूक्लियस है, जो साइटोप्लाज्म है, वो धीरे धीरे डिवाइड हुआ और हमें दो टाइप की सेल मिली, वेजिटेटिव सेल और जनरेटिव सेल। और ये जो जनरेटिव सेल है ये साइज में छोटी है, इसके पास अपना न्यूक्लियस है, जो वेजिटेटिव सेल है वो साइज में बड़ी है, उसके पास ट्यूब न्यूक्लियस है और अपना न्यूक्लियस प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब जब और ज़्यादा मैच्योर होगा जो पोलन ग्रेन है तो उसमें से पोलन ट्यूब का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। और ये जो पोलन ट्यूब है ये आप यहाँ देख सकते हैं, ये आपको पोलन ट्यूब दिख रहा होगा, ठीक है। ये इसमें आपको दो मेल गैमीट्स दिख रहे हैं, ठीक, यहाँ पे दो मेल गैमीट्स बने हुए हैं,
ये आपको ट्यूब न्यूक्लियस दिख रहा होगा जो वेजिटेटिव सेल के पास था, ठीक है। यहाँ पे कुछ कैलोज प्लग्स दिख रहे हैं, साइटोप्लाज्मिक शेथ आपको दिख रहा होगा मेल गैमिट्स के चारों तरफ। तो इस तरीके से इसमें हमें तीन न्यूक्लियस दिखते हैं, दो मेल गैमिट्स के न्यूक्लियस हैं और एक ट्यूब न्यूक्लियस है, ठीक है। अब ये क्या करेंगे, धीरे धीरे जो स्टिग्मा होता है उसकी तरफ मूव करेंगे। यूजुअली अगर हम लोग इनके डेवलपमेंट की बात करें तो क्या है कि एक लेयर ऑफ कैलोज डेवलप अराउंड द जनरेटिव सेल एंड विच सेपरेट द सेल फ्रॉम पोलन ग्रेन वॉल्स। तो जो जनरेटिव सेल थी उसके चारों तरफ एक कैलोज की लेयर बन जाती है और जो पोलन ग्रेन को अपनी जो साइड वॉल्स है उनसे सेपरेट करने लगती है, ठीक है। उसके बाद ये जो कैलोज होता है ये धीरे धीरे डिजॉल्व होने लग जाता है और जनरेटिव सेल जो होती है फ्री होके साइटोप्लाज्म में आ जाती है, जो ट्यूब सेल का साइटोप्लाज्म होता है, यानी कि जो वेजिटेटिव सेल का साइटोप्लाज्म होता है उसमें फ्रीली ये आ जाती है। अब जो जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस थे वो भी फ्रीली किस में आ जाते हैं, आपके ट्यूब सेल के अंदर, ठीक है। अब ट्यूब सेल में क्या है कि एक वैक्यूलेटेड साइटोप्लाज्म है जिसके पास फूड रिजर्व भी है, सेलुलर ऑर्गेनिज्म भी है और उसके पास जो उसका न्यूक्लियस है वो बड़ा भी है और थोड़ा सा इरेगुलर भी है, ठीक है। अब नेक्स्ट क्या हो रहा है कि जो जनरेटिव सेल है वो स्पिंडल शेप्ड होगी, ठीक। फिर उसका साइटोप्लाज्म ऑलरेडी जो था वो डेंस था और उसका जो न्यूक्लियस था उसमें क्या होगा कि वो टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाएगा, ठीक है। सॉरी, उसका न्यूक्लियस डिवाइड नहीं होता है, जो सेल होती है वो खुद ही टू पार्ट्स में डिवाइड हो जाती है और क्या बनाती है, एक नॉन मोटाइल मेल गैमीट बनाती है और क्या करती है, नॉन मोटाइल पोल ये मेल गैमीट बना के फिर क्या कर देती है, पोलन ग्रेन्स को वहाँ से रिलीज कर देती है, ठीक है। तो इसीलिए मैंने आपको ये प्रीवियस लेक्चर में बताया था कि जनरेटिव सेल के डिवीज़न में ही लगातार डिवीज़न होते रहते हैं जिसके रिजल्ट से जो हमारा पोलन ग्रेन होता है वो डिवीज़न के टाइम पे या तो टू सेल्ड होगा या फिर थ्री सेल्ड होगा। 60% एंजियोस्पर्म में लगभग टू सेल्ड होता है और उससे जो अदर है उसमें हमें थ्री सेल्ड देखने के लिए मिलता है। तो वह फिर से मैं आपको रिकॉल करा देती हूँ, जर्नली जो आपका माइक्रोस्पोर मदर सेल है, ठीक है, उसमें एक जो ये टेट्राड बनता है डायग्राम और में यहाँ पे आपका ये माइक्रोस्पोर का टेट्राड बनेगा, फिर ये आपके माइक्रोस्पोर चारों जो है वो फ्री हो जाएंगे। एक माइक्रोस्पोर आगे की तरफ हम लोगों ने ले लिया इसको समझाने के लिए, फिर उसमें मियोसिस डिवीजन हुआ तो आपको दो टाइप की सेल देखने के लिए मिल रही है, एक बड़ी वाली वेजिटेटिव सेल और एक छोटी वाली जनरेटिव सेल। छोटी में अपना न्यूक्लियस है, बड़ी में अपना लार्ज न्यूक्लियस है। जो छोटी वाली सेल है यहाँ पे उसका न्यूक्लियस दो पार्ट्स में डिवाइड हो गया और उसने टू मेल गैमीट्स को बना लिया, ठीक है। तो यहाँ पे आपको थ्री सेल्ड स्टेज भी देखने के लिए मिल रही है, कहीं कहीं पे टू सेल्ड स्टेज भी होती है और उसके बाद अब ये जो है टू जनरेटिव सेल के न्यूक्लियस और एक ये जो ट्यूब सेल थी उसका न्यूक्लियस आगे की तरफ जाएंगे इस पोलन ट्यूब के थ्रू और जाके जो स्टिग्मा होगा किसी भी फीमेल प्लांट का उस पर जाके ये अटैच्ड हो जाएंगे, ठीक है। और डायग्राम है देखो, ये आप शुरू से देख सकते हो, यहाँ पे ये आपको दिख रहा होगा, ये आपका एक पोलन सेक का टीएस है, ठीक है, एंथर जो होता है, सॉरी पोलन सेक बोल रही हूँ, एंथर का, उसमें से एक माइक्रोस्पोरोफाइट बाहर की तरफ आया, उसमें म्यूसिस वन हुआ, म्यूसिस टू हुआ और एक टेट्राड आपका माइक्रोस्पोर का रिलीज हो गया। इसमें से एक माइक्रोस्कोप सेपरेट हो गया और उससे आगे जाके क्या बनेगा, पोलन ग्रेन बन जाएगा। पोलन ग्रेन में फिर फर्दर डिवीजन होंगे, उसमें एक वेजिटेटिव सेल और एक जर्म सेल जनरेटिव सेल बन जाएगी। जनरेटिव सेल अगर डिवाइड हो रही है तो टू सेल्ड पोलन ग्रेन मिलेगा, जनरेटिव सेल अगर डिवाइड नहीं हो रही है तो थ्री सेल्ड आपको देखने के लिए, सॉरी अगर जनरेटिव सेल डिवाइड हो रही है तो आपको थ्री सेल्ड देखने के लिए मिलेगा और अगर जनरेटिव सेल डिवाइड नहीं हो रही है तो आपको टू सेल्ड पोलन ग्रेन जो है वो देखने के लिए मिल जाएगा, ठीक है। उसके बाद जो जनरेटिव सेल जब डिवाइड हो जाती है तो उसमें आपको टू मेल गैमीट्स मिल जाएंगे और एक जो ट्यूब सेल होती है उसके पास एक ट्यूब न्यूक्लियस होता है। इस तरीके से आपको तीन न्यूक्लियस ये जो है आपकी जो ये ट्यूब जो बन रही है पोलन ट्यूब इसमें आपको मिल जाएंगे, ठीक है। आप देख सकते हैं धीरे धीरे एक छोटी सी पोलन ट्यूब यहाँ बन रही है, धीरे धीरे इसका साइज बड़ा हो जा रहा है और इस पोलन ट्यूब की हेल्प से ही जो किसी भी फीमेल फ्लावर का स्टिग्मा होता है वहाँ पे ये अटैच्ड हो जाते हैं। ये स्टिग्मा है किसी भी फीमेल फ्लावर का, ठीक है। अब उससे आगे क्या होगा, यानी कि अब जब पोलन ग्रेन्स किसी भी फीमेल फ्लावर के स्टिग्मा पे जाके अटैच्ड हो गए
ठीक है, पिस्टल के। तो अब वहाँ पॉलिनेशन हो गया ये प्रोसेस, ठीक है। अब पॉलिनेशन के बाद जो भी इवेंट्स होंगे उसको अपन क्या बोलते हैं, पोस्ट पॉलिनेशन डेवलपमेंट। अब क्या होगा कि ये जो पोलन ट्यूब है, ठीक है, ये पोलन ट्यूब क्या करेगी, ये वाटर एब्जॉर्ब करेगी, ठीक है, कहाँ से, स्टिग्मा से, किसके थ्रू, जर्म पोर के थ्रू, ठीक है। ट्यूब सेल एनलार्ज हो जाएगी, कम साउंड फॉर द पोलन ग्रेन्स कवर्ड बाय इंटाइन, एंड क्या सीक्रेट करेगी, पैक्टिनेज और अदर हाइड्रोलाइटिक एंजाइम टू क्रिएट अ पासिस फॉर इट्स एंट्री इन टू द स्टाइल एंड एब्जॉर्ब न्यूट्रिएंट्स फ्रॉम द सेल्स ऑफ स्टाइल ऑफ देयर फॉर देयर ग्रोथ। मतलब जो ट्यूब सेल थी वो इंटाइन से अपनी बाहर आ गई, जंप, उसके बाद धीरे धीरे उसने क्या किया, वो आगे की तरफ गई, ठीक है। उसने कुछ एंजाइम जो पैक्टिनेज और हाइड्रोलाइटिक एंजाइम थे उनको सिक्रीट किया, और जो स्टिग्मा के नीचे जो स्टाइल था उसमें उससे एंट्री कर ली। एंट्री करने के बाद उसने उससे अपना न्यूट्रिशन जो है अपटेक करना स्टार्ट कर दिया। जब पोलन ट्यूब को उसमें जगह मिल गई तो जो ट्यूब न्यूक्लियस था वो नीचे की तरफ मूव किया पोलन ट्यूब के टिप पर, और इसके साथ वो किया जनरेटिव सेल एंड डिवाइड इंटू टू नॉन मोटाइल मेल गैमीट्स, ठीक। अब जो ईच मेल गैमीट्स है वो वन सेल की तरह कम किया जा रहा है। पोलन ट्यूब नॉट ओनली कैरी मेल गैमीट बट ऑल्सो सिक्रीट्स हारमोन्स एंड एब्जॉर्ब फूड फ्रॉम द स्टाइल, ठीक है। अब यानी कि ये लोग ना जो ओवरी में जो प्रेजेंट ओव्यूल्स हैं उनकी तरफ अप्रोच कर रहे हैं, ठीक है। नाउ पोलन ग्रेन विद पोलन ट्यूब कैरिंग मेल गैमिट्स रिप्रेजेंट मैच्योर मेल गैमिटो फाइट। अब क्या होगा, जो पोलन ग्रेन्स होंगे वो मैच्योर हो जाएंगे और मेल गैमिटो फाइट की तरह बिहेव करेंगे जो टू या थ्री सेल्ड होंगे। तो यूजुअली हमें यहाँ पे जो थ्री सेल्ड जो न्यूक्लियस है या थ्री न्यूक्लियस के संग स्टेज देखने के लिए मिलती है, वहाँ पे एक ट्यूब सेल का न्यूक्लियस होता है और दो मेल गैमिट्स के होते हैं, ठीक है, जो हमें जनरेटिव सेल से मिलते हैं, ठीक है। तो आज की क्लास हम लोग यहीं ब्रेक करते हैं। नेक्स्ट क्लास में आपको जो पिस्टल है उसकी स्ट्रक्चर के बारे में बात करेंगे, और फिर उसके बाद अपन जो आपका इवेंट्स तो आपने जान लिए, प्री एंड पोस्ट फर्टिलाइजेशन पॉलिनेशन जो इवेंट होते हैं, लेकिन उसके बाद फर्टिलाइजेशन कैसे होगा, क्या होगा, इसको हम लोग पिस्टल की स्ट्रक्चर जानने के बाद समझेंगे। क्योंकि पिस्टल का अगर आपको स्ट्रक्चर नहीं पता होगा तो आपको ये समझ में नहीं आएगा कि कैसे हो रहे हैं, चेंजेस कैसे आ रहे हैं, ठीक है। प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। तब तक के लिए हम लोग यहीं स्टॉप करते हैं, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में।